देश में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच सब्जी के रेटों में भारी इजाफा हुआ है, जिसके कारण आम आदमी की रसोई से कई सब्जियां गायब हो चुकी हैं। चलिए इस संबंध में उधमसिंह नगर जिले के सब्जी व्यापारियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। और पिछले दो महीने की अगर बात करें तो दो महीने में सब्जी के रेटों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नीमचंद गुप्ता। नीमचंद्र जी, ये बताइए कि सब्जी के रेट में किस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिली है, कौन कौन सी सब्जियों के रेट बढ़े हैं? सारी सब्जियों के रेट अब तक बढ़ चुके हैं। दो महीने पहले जो रेट थे आज वो चार गुने हो गए हैं। कौन कौन सी सब्जियों के रेट बढ़े हैं? जैसे कि टमाटर 10 रुपए था, 40 रुपए है। भिंडी 15 था तो वो भी 40 है। लौकी भी 40 रुपए किलो, जो 5-10 रुपए किलो बिकती थी। सारी सब्जियों के रेट काफी बढ़ चुके हैं। अच्छा, दो महीने पहले इन सब्जियों के रेट की अगर बात करें तो पहले कितने थे और आज कितने हो गए हैं? आज पहले से चार गुना करीब बढ़ चुका है। पहले लौकी 10 रुपए थी तो आज 40 रुपए है। पहले टमाटर 10 था तो आज 40 है। पहले तुरई 10 रुपए थी तो 40 रुपए है। सारी सब्जियां महंगी। गोभी 20 रुपए थी, 80 रुपए किलो है इस टाइम पहाड़ की गोभी। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी के रेट बढ़े हैं? सारी सब्जियों में टमाटर तो ले लो आप, 10 रुपए था वो 40 रुपए हो गया है। और लौकी भी 5-5 रुपए थी, वो 40 रुपए किलो तक हो, अब इस टाइम 40 रुपए किलो है। अच्छा, जो ग्राहक आपके यहाँ सब्जी लेने आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने महंगा कर रखा है। मैंने कहा हम क्यों महंगा करेंगे, कोई कहता है कि सरकार बदली है उसमें महंगा है। हमारे उसमें क्या है, हमें तो 10% का मार्जिन मिलता है काट पीट के, हमें क्या है। और जिससे ज्यादा खराब हो जाती है, गर्मी में ज्यादा नुकसान होता है। जब आप अपने होलसेल व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, जो किसानों से जहाँ से आप सब्जी लाते हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो क्या कारण बता रहे हैं कि सब्जी में महंगाई का क्या कारण है? किसान ये कह रहे हैं कि ये सब्जी के जो पौधे होते हैं वो पौधे इस गर्मी में जल जाते हैं, इसलिए कम होती है, इसलिए सब्जी खराब ज्यादा होती है, इसलिए महंगी हो जाती है। अच्छा, गर्मी के कारण सब्जी के जो है पौधों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण ये रेटों में इजाफा हुआ है, आपका ये कहना है? हाँ, हमारा ये कहना है कि सब्जी के रेट इसलिए बढ़ जाते हैं कि ज्यादा बरसात होगी तब भी खराब हो जाती है, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तब भी खराब होती है, और ज्यादा ठंड पड़ती है तब भी पौधा नहीं बढ़ता है, तो पौधा सुखड़ जाता है, तब भी महंगा हो जाता है। आपने सुना कि सब्जी व्यापारी ने साफ तौर पर बताया कि जो है सब्जी के रेटों में गर्मी के कारण बढ़ोतरी हुई है। चलिए कुछ और व्यापारी हैं और ग्राहक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है और सब्जी के रेट में बढ़ोतरी को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हितेश अरोरा। हितेश जी, ये बताइए कि सब्जी के रेटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आप सब्जी खरीदने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस चीज पे गवर्नमेंट को नियंत्रण करना चाहिए कि पिछले दो महीने में रेट लगभग 40-50% तक की बढ़ोतरी हो गई है, और मोदी जी को इस पे ध्यान देना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो गरीब जनता के लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। क्योंकि पहले तो सब्जी लेके जाते थे और आज जो सब्जी लेने आए हैं, कितना अंतर आ गया है सब्जी में? जैसे कि जो पहले 100 रुपए की सब्जी खरीदते थे, आज उस सब्जी को कितने रुपए में खरीदना पड़ रहा है? अब आप ऐसे ही समझिए, गोभी का रेट पहले 30-40 रुपए होता था, आज 80 रुपए। तो आप इस बात से आइडिया लगा लीजिए, जो 100 रुपए में चीज आती थी वो आज 250 में आ रही है। तो अगर आम जन की ये सबसे मेन जरूरत है, खाना सब्जी, अगर यही पूरी नहीं होगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो इस पे गवर्नमेंट को खास ध्यान देना चाहिए, स्टोरेज बढ़ाएं, कोल्ड स्टोरेज बढ़ाएं, या कुछ भी ऐसा करें जिससे नियंत्रण रह सके। तो आपने सुना कि ग्राहक हितेश अरोड़ा ने साफ तौर पर बताया कि सब्जी के रेट में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए कुछ व्यापारी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सब्जी के रेट में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज जी, ये बताइए कि सब्जी के रेटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कितने सब्जियों के रेटों में बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी सर काफी सब्जियों में हो गई है, पिछले 8 महीने से बारिश नहीं हुई है, पैदावार में काफी कमी आ गई है। अच्छा, मतलब बरसात का जो ना आना एक सब्जी के रेटों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण है? ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, ज्यादा गर्मी पड़ रहा है, खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा, सब्जी की पैदावार में बहुत कमी आ गई है। जो सब्जी एकड़ में 1 क्विंटल होती थी वो सब्जी 10 किलो हो रही है, यही कारण है। मैंने कहा कि सब्जी की पैदावार बढ़नी रही है और सब्जी मार्केट में पूरी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा महंगा हो गया। अच्छा, कौन कौन सी सब्जियों के रेट बढ़े हैं? ये देखो सर, ये लौकी इन दिनों में 20 या 25 होती थी, ये 50 हो गई है, और फूल वो भी तो महंगी होती है बरसात में, कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई, 80 रुपए किलो। आलू भी मेन आलू है, जो आलू लोग गरीब आदमी आलू पे निर्भर रहता है, इस टाइम ये भी महंगा है, ये 25 से 30 रुपए है सर, जो नॉर्मल रेट 15 रुपए होता था। जो ग्राहक खरीदारी करने आ रहे हैं वो क्या शिकायत कर रहे हैं आपसे? वही शिकायत कर रहे हैं सर, ये सब्जी इतनी महंगी क्यों हो गई? तो वही हम बता रहे हैं कि सब्जी की पैदावार कम है, खपत ज्यादा है, और
इस वजह से सब्जी के रेट बढ़ गए। बस सब्जी व्यापारी एजाज अहमद ने एबीपी लाइव से खास बातचीत करते हुए बताया कि सब्जी के रेटों में जो इजाफे का कारण है वो गर्मी का अधिक पड़ना और बरसात का ना होना है। उनका कहना है कि जिस तरह से गर्मी अधिक इस बार पड़ी है उससे कहीं ना कहीं जो पौधों की जो उत्पादन था वो उसकी उत्पादन क्षमता कम हुई है, जिसके कारण सब्जी के रेटों में इजाफा हुआ है। उनका कहना है कि बरसात अगर समय से हो जाती तो सब्जी के रेट में इस बार इतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।